फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। टरबाइन लू वाल सिस्टम के तहत एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोलिक टर्निंग गियर पे मैं वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक टर्निंग गियर एंड द मैकेनिकल वायरिंग गियर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये आपका हाइड्रोलिक टर्निंग गियर कहाँ पे रहता है, इसका फंक्शन क्या है और इसका ऑपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये कब कटिंग एंड कट आउट होता है, सारा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक देखिए, काफी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स मेन ऑयल टैंक के बारे में, आपका मेन ऑयल पंप एंड एजरी ऑयल पंप के बारे में वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें सारे डिटेल्स मैंने उसका बताया है, एओपी का इंटरलॉक प्रोटेक्शन, कब कट इन कट आउट होता है, एमओपी कब कट इन कट आउट होता है, सारा डिटेल्स मैंने उस वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिक टर्निंग गियर, पहले देखते हैं हाइड्रोलिक टर्निंग गियर कहां पे रहता है। तो द हाइड्रोलिक टर्निंग गियर इज सिचुएटेड बिटवीन द मेन ऑयल पंप एंड द जर्नल बियरिंग इन द एचपी टर्बाइन फ्रंट बियरिंग पेडेस्टल। आपका हाइड्रोलिक टर्निंग गियर जो रहता है वो एमओपी और आपका जो फर्स्ट फ्रंट पेडेस्टल बियरिंग है उसके बीच में आपका सिचुएटेड रहता है, आपका फर्स्ट नंबर बियरिंग के पास। हाइड्रोलिक टर्निंग गियर का फंक्शन क्या है, ये हम लोग क्यों टर्बाइन को बारी गियर पे रखते हैं, क्या उसका रिक्वायरमेंट है, क्यों रखते हैं, देखिए इसका फंक्शंस। द फंक्शंस ऑफ द हाइड्रोलिक टर्निंग गियर इज टू रोटेट द शाफ्ट, मींस टर्बाइन शाफ्ट सिस्टम एट सफिशिएंट स्पीड बिफोर स्टार्टअप एंड आफ्टर शटडाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड इरेगुलर हीटिंग और कूलिंग डाउन एंड दस अवॉइड एनी डिस्टॉर्शन टू द टर्बाइन रोटर्स। द फंक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक टर्निंग गियर क्या होता है कि जब आप लाइटअप करते हैं तो लाइटअप करने से पहले आप टर्बाइन का रोटर शाफ्ट को एक सफिशियंट आरपीएम पे रोटेट करवाते हैं और उस समय आपका टर्बाइन का जो स्पीड है, अगर वैक्यूम नहीं रहता है तो 80 आरपीएम के आसपास रहता है, 80 आरपीएम रहता है। जैसे जैसे आप वैक्यूम इंप्रूव करते रहते हैं तो यही स्पीड आपका 120 आरपीएम के आसपास चला जाता है, ठीक है। तो इसको बिफोर स्टार्टअप आपका टर्बाइन रोटर शाफ्ट को एक सफिशियंट स्पीड पे रोटेट करता है, क्यों रोटेट करवाते हैं, ताकि इन ऑर्डर टू अवॉइड इरेगुलर हीटिंग। टर्बाइन का रोटर आपका रोटेट नहीं करेगा तो जरा समझिए क्या होगा, जब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम इंटर्स द टर्बाइन देन द पार्ट ऑफ द रोटर शाफ्ट विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द स्टीम वो आपका हीट अप हो जाएगा, लेकिन जो लोअर पार्ट है वो आपका हीटिंग नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है, अपर पार्ट स्टीम के कॉन्टेक्ट में आ गया तो उसका हीटिंग हो जाएगा, लोअर पार्ट का टेम्परेचर कम रहेगा तो आपका थर्मल स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, उससे क्या होगा आपका रोटर का शाफ्ट डिस्टॉर्टेड हो सकता है। और आप जरा इमेजिनेशन कीजिए कि आपका रोटर के पे आपका मूविंग ब्लेड रहता है, केसिंग में आपका फिक्स ब्लेड रहता है, दोनों के बीच बहुत कम नॉमिनल एसपी टर्बाइन के केस में तो 2-3 mm का गैप रहता है दोनों के बीच, फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड के बीच में। तो जब ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा उसके बाद अगर आप रोटेट करवाइएगा तो वाइब्रेशन भी आपका बढ़ेगा, मे बी आपका मूविंग ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड में रविंग का भी चांस रहेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टर्बाइन का जो रोटर शाफ्ट है उसको हम लोग हाइड्रोलिक टर्निंग गियर का यूज करके हम लोग इसको स्लोली, चाहे बहुत ज्यादा आरपीएम नहीं रहता है आपका 70 से 80 आरपीएम में हम लोग इसको रोटेट करवाते हैं। रोटेट करने से क्या होगा कि आपका जो भी स्टीम हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम जब इंटर करेगा तो टर्बाइन का सारा सरफेस स्टीम के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा और उसका यूनिफॉर्म हीटिंग होगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि कुछ पार्ट ज्यादा हीट में है,
टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, कुछ पार्ट का टेम्परेचर कम रहेगा, ऐसा नहीं होगा। वो इनफॉर्मली आपका स्टीम के कॉन्टेक्ट में रहेगा और सारा सर्फेस एट द सेम टेम्परेचर आपका हो जाएगा, कोई भी टेम्परेचर का चेंजेस नहीं होगा, सब जगह यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा, तो थर्मल स्ट्रेस आपका कम होगा। वही लिखा हुआ कि हम लोग सफिशियंट स्पीड पे रोटेट करते हैं बिफोर स्टार्टअप एंड आफ्टर शट डाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड इरेगुलर हीटिंग, दस अवॉइड एनी डिस्टॉर्शन ऑफ द टर्बाइन रोटर का। ठीक है, उसी प्रकार से आप अगर टर्बाइन का आप शट डाउन करते हैं या टर्बाइन ट्रिप होता है, एक सर्टेन आरपीएम के बाद क्या होगा कि आपका टर्निंग गियर ओपन हो जाता है और टर्बाइन के स्पीड को जीरो लाने नहीं देता है। जब आप मान लीजिए कि आप शट डाउन कर रहे हैं, टर्बाइन ट्रिप हो रहा है, और उस समय अगर टर्निंग गियर वाल्व अगर ओपन नहीं होगा तो जरा इमेजिनेशन कीजिए, उस समय तो जनरली 500 मेगावाट के केस में आपका जो एचपी रोटर शाफ्ट का टेम्परेचर 535 डिग्री सी होता है, और अचानक मान लीजिए आपका टर्बाइन ट्रिप किया और बारिंग गियर पे नहीं आया और उसका आरपीएम जीरो हो गया, तो इमेजिनेशन कीजिए क्या होगा, क्या होगा कि आपका हाई टेम्परेचर पे रोटर एक्सपेंड करता है, लेकिन वो तो क्या होगा जैसे वो आपका बियरिंग पे जाके फिक्स हो जाएगा, बियरिंग पे जैसे ही फिक्स होगा तो आपका क्या होगा, होगा बियरिंग भी डैमेज कर सकता है। दूसरा क्या होगा कि आपका डिस्टॉर्शन बियरिंग को में डिस्टॉर्शन आ जाएगा, शाफ्ट में डिस्टॉर्शन आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है और उसका कूलिंग सही से नहीं होगा, प्रॉपर कूलिंग भी उसका नहीं होगा। तो इनफॉर्म कूलिंग के लिए आपको टर्बाइन के रोटर शाफ्ट को बारिंग गियर पे लाना होता है ताकि वो इनफॉर्म कूलिंग करता रहे। तो मेन फंक्शन उसका यही है हाइड्रोलिक टर्निंग गियर का। हाइड्रोलिक टर्निंग गियर का ऑपरेशन किस प्रकार से होता है, ड्यूरिंग टर्निंग गियर ऑपरेशन द शाफ्ट सिस्टम इज रोटेटेड बाय ए ब्लेड व्हील। एक आपका ब्लेड व्हील रहता है, आपको इस पिक्चर में ब्लेड व्हील का पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें से इसके सर्कमफ्रेंस पे आपका एक ब्लेड माउंटेड रहता है, टोटल 60 ब्लेड के आसपास रहता है। ठीक है, तो बाय ब्लेड व्हील व्हिच इज ड्रिवन बाय द ऑयल सप्लाई बाय द एओपीज। और इसी जो ब्लेड व्हील को रोटेट कौन करता है, ये आपका ड्रिवन बाय द ऑयल सप्लाई, ऑयल सप्लाई होता है कहां से होता है, एओपीज से, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका तो एओपी चलता है और जब एमओपी का बारी आता है उससे पहले तो आपका बारिंग गियर वाल्व क्लोज भी हो जाता है। तो एओपी जो है ऑयल सप्लाई करता है, उसी ऑयल से आपका ब्लेड व्हील पे ऑयल स्ट्राइक करता है थ्रू द नोजल और आपका जो है टर्निंग गियर जो है आपका काम करना शुरू कर देता है, आपका शाफ्ट रोटेट करने लगता है। दिस ऑयल पासेस बाय चेक वाल्व, ये जो ऑयल जो पास करता है आपका एक चेक वाल्व रहता है, चेक वाल्व से आपका एक नोजल बॉक्स में इंटर करता है, एक आपका नोजल बॉक्स होता है, नोजल बॉक्स के अंदर आपका ऑयल सप्लाई होता है थ्रू द चेक वाल्व, और नोजल बॉक्स से आपका नोजल में जाता है, जनरली आपका 5 से 6 नोजल आपका लगा रहता है, और उसी नोजल से फ्रॉम देयर इनटू द नोजल व्हिच डायरेक्ट द ऑयल जेट इन फ्रंट ऑफ द ब्लेडिंग। और इसी ब्लेडिंग पे, इस व्हील में जो आपको ब्लेड दिख रहा होगा, इसी ब्लेड पे नोजल से आपका ऑयल स्ट्राइक करता है और ये रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जेनली इसका फंक्शन यही है कि आपका एओपी से ऑयल सप्लाई आता है, ऑयल जो होता है थ्रू द चेक वाल्व आपका नोजल बॉक्स में जाता है, नोजल बॉक्स आपका नोजल बॉक्स से नोजल में जाता है, और नोजल से आपका हाई प्रेशर से ऑयल इंजेक्ट करता है आपका ब्लेड पे और आपका रोटेट करना शुरू कर देता है। जब आप स्टार्टअप करते हैं तो उस समय आपका हाइड्रोलिक टर्निंग गियर वाल्व ओपन रहता है, तो ये क्लोज कब होगा, जब आप मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपका 80 आरपीएम पे मूव करता है, जैसे जैसे आपका वैक्यूम इंप्रूव होता है तो ये स्पीड बिना स्टीम का ही आपका 120 आरपीएम हो जाता है, जैसे जैसे आपका वैक्यूम इंप्रूव करेगा 80 आरपीएम से टर्बाइन का शाफ्ट 120 आरपीएम हो जाता है स्पीड, क्यों, क्योंकि आपका वैक्यूम क्रिएट हो गया है, तो एयर रेसिस्टेंस जो पहले लग रहा था अब आपका नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। फिर जैसे आपको क्राइटेरिया मिलता है तो आप क्या करते हैं 360 आरपीएम डाल देते हैं टर्बाइन रोलिंग करने के लिए, अगर आपका रोलिंग का क्राइटेरिया अगर आ जाता है, अचीव हो जाता है, तो 360 आरपीएम आप डाल देते हैं। तो जैसे ही
जैसे ही आरपीएम 240 आरपीएम पे आता है, जैसे ही आपका टर्बाइन का शाफ्ट स्पीड 240 आरपीएम पे आता है, तो टर्निंग गियर वाल्व जो होता है वो आपका क्लोज हो जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोलिक टर्निंग गियर का कट आउट क्राइटेरिया कितना स्पीड पे होता है, तो 240 आरपीएम पे आपका हाइड्रोलिक टर्निंग गियर क्लोज हो जाता है। तब क्या होता है कि आपका खुद जो स्टीम के प्रेशर से आपका रोटेट करना शुरू हो जाता है और आपका जैक से तो लिफ्ट रहता ही है। तो ये आपका कट आउट क्राइटेरिया। कट इन क्राइटेरिया क्या है कि मान लीजिए कि आपका टर्बाइन ट्रिप हो गया, टर्बाइन ट्रिप हो गया, मान लीजिए कि आपका 3000 आरपीएम पे आपका टर्बाइन ट्रिप कर गया। यहां पे ट्रिप मतलब क्या होता है, स्टॉप वाल्व, कंट्रोल वाल्व सब क्लोज, स्टीम सप्लाई आइसोलेटेड हो गया। तो यहां से क्या होता है कि आपका टर्बाइन का रोटर शाफ्ट का स्पीड डिक्रीज होना शुरू होता है। जैसे ही 210 आरपीएम आता है तो ये कट इन हो जाता है, आपका टर्निंग गियर वाल्व ओपन हो जाता है और वहां से आपका टर्निंग गियर से ऑयल सप्लाई आके आपको असिस्ट करता है ताकि वो उसका आरपीएम जीरो ना हो जाए। अगर टर्निंग गियर वाल्व क्लोज ओपन अगर नहीं होगा तो धीरे धीरे उसका आरपीएम घटते 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 जीरो हो जाएगा और जीरो आपको नहीं होने के लिए देना है। तो टर्निंग गियर का आपका क्लोज क्राइटेरिया कितना है, कट आउट का है 240 आरपीएम पे और कट इन क्राइटेरिया जो है वो 210 आरपीएम पे आपका कट इन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कट इन आपका क्राइटेरिया था। टर्निंग गियर में जो ऑयल सप्लाई हो रहा था वो सारा का ऑयल सप्लाई जो होता है वो आपका जो बियरिंग पेडेस्टल है चैम्बर में आपका आता है और वहां से एक आपका रिटर्न लाइन होता है, उसके थ्रू आपका फिर से ऑयल एमओटी टैंक में आ जाता है। तो यही साइकिल आपका चलता रहता है। ठीक है, अब क्या है कि मान लिया कि आपका हाइड्रोलिक टर्निंग गियर काम नहीं किया, तो इसके लिए एक मैकेनिकल बारिंग गियर का भी अरेंजमेंट है। ताकि हम लोग उसका डिटेल देखते हैं। मैकेनिकल बारिंग गियर आपका एक हाइड्रोलिक टर्निंग गियर था, उसके अल्टरनेट ऑप्शन में आपका एक मैकेनिकल बारिंग गियर दिया हुआ है जिसको हम लोग हैंड बारिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसका फंक्शंस क्या है, द टर्बाइन जनरेटर इज इक्विप्ड विथ ए मैकेनिकल बारिंग गियर। टर्बाइन टीजी में आपका मैकेनिकल बारिंग गियर भी होता है व्हिच इनेबल द कंबाइंड शाफ्ट सिस्टम टू बी रोटेटेड मैनुअली। आप इसको मैनुअली रोटेट करना होता है, हैंड बारिंग भी करते हैं, हैंड से इसको आप रोटेट करते हैं। कब, इन द इवेंट ऑफ ए फेल्यूर ऑफ द नॉर्मल हाइड्रोलिक टर्निंग गियर। जब आपका हाइड्रोलिक टर्निंग गियर फेल हो जाता है तो आपको मैकेनिकल बारिंग गियर का प्रोविजन दिया हुआ है जहां पे आप हैंड बारिंग से टर्बाइन के स्पीड को आप मेंटेन रखते हैं। आपका हाइड्रोलिक टर्निंग गियर में मान लीजिए 70 से 80 आरपीएम चलता है, बारिंग गियर से कम से कम स्टॉप तो नहीं होगा, टर्बाइन आपका रोटेट तो करता रहेगा, आपका 5, 6, 10 आरपीएम तक कम से कम रोटेट तो करेगा, उससे आपका यूनिफॉर्म हीटिंग या यूनिफॉर्म कूलिंग होगा। कम से कम जो आपका सैगिंग एंड हॉगिंग होता है, बेंड कर जाता है, वो तो नहीं होगा, कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन तो नहीं होगा, तो टर्बाइन के साथ में डिस्टॉर्शन तो नहीं होगा। उससे बचने के लिए आपका अगर आपका हाइड्रोलिक टर्निंग गियर फेल हो जाता है तो उसके जगह मैकेनिकल बारिंग गियर दिया हुआ है, आप उसको हैंड बारिंग भी कहते हैं, वहां से आप टर्बाइन के साफ को आप रोटेट कर सकते हैं। ये रहता कहां पे, ऐसे आपका हाइड्रोलिक टर्निंग गियर एक नंबर बियरिंग में रहता है लेकिन मैकेनिकल बारिंग गियर आपका आईपीएलपी पेडेस्टल पे रहता है। ठीक है, जहां पे आईपीएलपी पेडेस्टल है वहां पर आपका रहता है नंबर, आपका बियरिंग नंबर 3, बियरिंग नंबर 3 के पास यहां पे रहता है। आपको वहां पे जाके आपका एक लीवर रहता है, लीवर से आपको मैनुअली वहां पे करना पड़ता है। मैकेनिकल बारिंग गियर का अगर थोड़ा कंस्ट्रक्शन देखें, जिसमें एक गियर आपका रहता है मशीन ऑन द रिंग ऑफ द टर्निंग गियर व्हील, एक आपका टर्निंग गियर व्हील रहता है उसमें आपका पूरा गियर रहता है, गियर मशीन रहता है, टर्निंग गियर व्हील रहता है, एक आपका पाउल रहता है, इसी पाउल को इंगेज करते हैं, द पाउल इंगेजेस द रिंग गियर, ये जो आपका टर्निंग गियर व्हील होता है उसी को पाउल इंगेज करता है एंड टर्न द शाफ्ट सिस्टम व्हेन ऑपरेटेड बाय मींस ऑफ ए बार अटैच टू द लीवर। आपका एक बार रहता है उसको लीवर से अटैच करते हैं और उस लीवर को जब हम लोग मूव करते हैं तो ये पावर क्या होता है, उससे जो रिंग, जो आपका रिंग गियर रहता है उसके साथ अटैच हो जाता है, इंगेज हो जाता है और पूरा आपका टर्बाइन शाफ्ट को रोटेट करवा देता है।
इसका हम लोग अगर ऑपरेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले रिमूव द कवर, कवर जो रहता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। आपका इनिशियल में आपका लैचिंग रहता है, उसको हम लोग पहले अनलैच करेंगे। अनलैच करने के बाद उस लीवर को बार से हम लोग अटैच करते हैं। जैसे ही लीवर को अटैच करेंगे और आपका पावल क्या होता है, लीवर से आपका पावल इंगेज होता है किसके साथ, रिंग गियर के साथ। और जैसे हम लोग लीवर करते हैं, मूव करते हैं लीवर को, आपका टर्बाइन का शाफ्ट रोटेट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका मैकेनिकल बॉलिंग गियर का काम हो गया, आपका हाइड्रोलिक टर्निंग गियर ऑपरेशन में आ गया, तो फिर हम लोग इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने का सेम सिक्वेंस है, आप इसको कवर कर दीजिए, लैच कर दीजिए लीवर को। ठीक है, आपको रोटेट करने के लिए आप अनलैच किए थे, अब उसको लैचिंग कर दीजिए। तो मैकेनिकल बॉलिंग गियर हो या आपका हाइड्रोलिक टर्निंग गियर हो, ये तभी ऑपरेशन में आपको लाना है जब आपका शाफ्ट लिफ्टेड है विद द हेल्प ऑफ जैक ऑयल पंप। जैकिंग ऑयल सिस्टम, अगर आपका पंप एक पंप है, एक एसी जीओपी होता है, एक आपका डीसी जीओपी होता है, उसमें से एक आपका जीओपी पंप सर्विस में होना चाहिए। तो उसका काम क्या होता है, आपको ये लिफ्ट करके रखता है ताकि वो आसानी से रोटेट कर जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि मैकेनिकल बॉलिंग गियर हो या हाइड्रोलिक टर्निंग गियर हो, ये तभी ऑपरेशन में लाना है जब आपका जैक ऑयल सिस्टम हेल्दी हो, पंप चल रहा हो और आपका शाफ्ट लिफ्टेड हो। जैकिंग ऑयल का प्रेशर 170-172 केजी के आसपास रहता है। वो आपका क्या होता है कि शाफ्ट को थोड़ा सा लिफ्ट कर देता है ताकि आपको रोटेट करने में आसानी होता है। अगर आपका जैकिंग सिस्टम लिफ्ट नहीं रहेगा तो टर्निंग गियर से आपका टॉर्क बहुत ज्यादा लगेगा, इवन आपका रोटर डैमेज भी हो सकता है ड्यू टू द हाई फ्रिक्शन। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग सबसे पहले आपका जैकिंग ऑयल सिस्टम चलाते हैं, उसके बाद ही हाइड्रोलिक टर्निंग गियर का हम लोग यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोलिक टर्निंग गियर एंड द मैकेनिकल बॉलिंग गियर। आशा है कि आप लोग को एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।